आज की जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हम बात करने वाले हैं पॉलीफेरा के बारे में। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, ये पॉलीफेरा से रिलेटेड होंगे। चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कह सकते हैं इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगी, इसके नोट्स का लिंक मैं पीडीएफ में दे दूंगी, वहां से इस चीज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले नंबर में जो क्वेश्चन है, पहले नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, एनिमल लैकिंग एक्सक्रेटरी रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स आस, ऐसे एनिमल जिसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्पॉन्ज बोलते हैं। तो स्पॉन्ज में ये सारे काम, एक्सक्रेशन का, रिस्पिरेशन का, सारे काम कैसे होते हैं? डिफ्यूजन के जरिए से होते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड, स्पॉन्जेस की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो स्पॉन्जेस की स्टडी को हम पैराजूलॉजी बोलते हैं। कोनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, कोनोसाइट जो पाया जाता है स्पॉन्जेस में, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये इनके बॉडी के इनर पोर्शन में पाया जाता है। और ये कैसा होता है? विप लाइक होता है और एज अ फ्लैजेला काम करता है कोनोसाइट स्पॉन्जेस में। और ये वाटर का जो फ्लो होता है उसको क्रिएट करता है, वाटर फ्लो को क्रिएट करने का काम करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द एपिडर्मिस ऑफ स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ, जो एपिडर्मिस होता है स्पॉन्जेस का, कह सकते हैं स्पॉन्जेस की जो बाहर की लेयर होती है वो किस चीज से बनी होती है? वो पिनाकोसाइट से बनी हुई होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द न्यूट्रिशन इन स्पॉन्जेस इज, स्पॉन्जेस में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? तो स्पॉन्जेस में होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन मतलब कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, मतलब उसी टाइप का होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसमें जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो फूड या नरिशमेंट पाते हैं दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल से, फूड और नरिशमेंट पाते हैं। तो एक तरीके का ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें वो फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिक्स नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, बोरिंग स्पॉन्ज इज, बोरिंग स्पॉन्ज का नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है क्लियोना। क्लियोना क्या है? एक तरीके का बोरिंग स्पॉन्ज है। ये कह सकते हैं बोरिंग स्पॉन्ज का नाम क्लियोना होता है। अब बोरिंग स्पॉन्ज को बोरिंग स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे जो बोरिंग का मतलब है, उबाऊ से मतलब नहीं इसका बोरिंग का, जैसे हम कहते हैं ना हम बोर हो रहे हैं, तो वो बोरिंग का मतलब वो नहीं है, बोरिंग मतलब कि होल करना हो गया। तो स्पॉन्ज क्या करते हैं? जो ओएस्टर होता है, ओएस्टर की शेल होती है, सॉरी ओएस्टर नहीं, ओएस्टर की जो शेल होती है, ये उस शेल को क्या करते हैं? उसमें होल कर देते हैं, जिस वजह से जो ओएस्टर होता है वो वीक हो जाता है और कभी कभी क्या होता है वो खत्म भी हो जाता है, कील भी हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम बोरिंग स्पॉन्ज रखा गया, क्योंकि ये ओएस्टर की शेल को बोर कर देते हैं, होल कर देते हैं। अब सेकंड सेवन नंबर पर क्वेश्चन है, स्पिकुल्स आर फॉर्म्ड बाय, स्पॉन्जेस में स्पिकुल्स पाए जाते हैं, ये किस चीज से बने होते हैं? ये स्क्लेरोसाइट से बने होते हैं। तो स्पिकुल जो स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं, ये एज अ स्केलेटन का काम करते हैं, इनके बॉडी को सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो एज अ स्केलेटन का काम करते हैं, इनकी बॉडी को शेप भी देते हैं। एट नंबर पर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड स्पॉन्जेस एज एनिमल फर्स्ट, किसने ये कहा था सबसे पहले कि स्पॉन्जेस क्या होते हैं? वो एनिमल होते हैं। तो इसका आंसर है एलिस। एलिस जी ने कहा था कि स्पॉन्जेस क्या है? एनिमल है, ना कि प्लांट है, सबसे पहले एलिस ने कहा था। नाइन नंबर क्वेश्चन है, द प्रीशियस स्पॉन्ज इज, सबसे प्रीशियस स्पॉन्ज कौन सा होता है, सबसे कीमती? तो सबसे कीमती स्पॉन्ज कौन सा? यूप्लेक्टेला। इसका आंसर है यूप्लेक्टेला, ये प्रीशियस स्पॉन्ज होता है। इसको वेनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, इनको ग्लास स्पॉन्ज भी कहा जाता है। वेनस फ्लावर बास्केट ही बोलते हैं, ग्लास स्पॉन्ज भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनका शेप जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। टेन नंबर में जो क्वेश्चन है वो है, ए कॉमन चैम्बर इन स्पॉन्जेस इज, स्पॉन्जेस में कॉमन चैम्बर पाया जाता है, जिसको हम स्पॉन्जेस सील बोलते हैं। इसका आंसर स्पॉन्जेस सील। तो स्पॉन्जेस में कॉमन चैम्बर पाया जाता है, जो स्पॉन्जेस की बॉडी में टीनी टीनी पोर्स पाए जाते हैं चारों तरफ, जिससे वाटर जो होता है पोर्स से स्पॉन्जेस के अंदर जाता है, फिर ऑस्कुलम से वो बाहर निकल आता है। तो इसका आंसर स्पॉन्जेसील है।